उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे महान संगीतज्ञ मदन मोहन के सुपुत्र समीर मदन मोहन कोहली से यूनुस खान की बातचीत। एक संगीतकार जिनकी धुनों में है मेलेडी का जादू, लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो। फिल्मों में उनका आना एक संजोग था। वो भूली दास्ता लो फिर याद आ गई। उनके गाने दिल की गहराइयों में उतरते हैं। के गाने हमारे जज्बात को जगाते हैं। आपके पहलुओं में आकर रो दिए। जिंदगी की शोरगुल भरी राहों में एक मीठा एहसास है मदन मोहन। तू जहां जहां चले अपार पीड़ा और जीवन की मुस्कान के संगीतकार मदन मोहन। अपने जिया की दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज 14 जुलाई का दिन संगीत के दीवानों के लिए, कद्रदानों के लिए बहुत मायने रखता है। ये दिन है संगीतकार मदन मोहन की याद का दिन और संगीतकार मदन मोहन की यादों के उजाले बिखेरने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं उनके बेटे समीर कोहली साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच यूनुस जी। सर कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर, जहां से मदन जी के गीत जाने कितने दशकों से बज रहे हैं और दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। बड़े दिनों के बाद यूनुस जी यहाँ पे आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें याद किया, आपने उन्हें याद किया। एक चीज जरूर कहूंगा, आपको मालूम होगा इस साल 25 जून को उनका 100वां जन्मदिन था जी, पर एक हकीकत ये भी है जैसे कि आपने कहा कि आज 14 जुलाई उनकी 49th डेथ एनिवर्सरी है। कहना ये चाह रहा था मैं आपसे कि इस 100 साल के पीरियड में मदन जी ने इस दुनिया में सिर्फ 51 साल बिताए जी बिल्कुल, पर उनकी जिंदगी से जो सबसे बड़ी सीख मुझे और उनके चाहने वालों को मिली है कि जिंदगी जरूरी नहीं कि लंबी हो, जिंदगी बड़ी होना बहुत जरूरी है। क्या बात है। और इस छोटी सी जिंदगी में मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत बड़ी जिंदगी जी। इनफैक्ट इतने उतार चढ़ाव रहे हैं उनके जिंदगी में कि मेरे ख्याल से एक फिल्म बन सकती है आराम से उनकी जिंदगी पर। बिल्कुल, मुझे ये बात याद आ रही है कि मदन जी का ताल्लुक आकाशवाणी से था, वो लखनऊ आकाशवाणी में काम किया करते थे जी। तो ये रेडियो स्टूडियो भी उनकी जिंदगी में कितने मायने रखते थे। पर मैं यहाँ आपकी इस शानदार बात की डोर पकड़ के ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इतने बरस हो गए उनको दुनिया से गए, पर आज भी उनकी जो प्रासंगिकता बनी हुई है, उनके प्रति लोगों की जो दीवानगी बनी हुई है, वो क्या जादू है उनके संगीत में, आप क्या डिकोड कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूं कि जितनी शोहरत जितनी इज्जत उनको उनके जाने के बाद मिली, उनको अपने जीते जी शायद कभी नहीं मिली जी। और यही दुख यही गम उन्हें ले गया। मैं ये इससे कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उनमें बहुत सा संगीत बाकी था। बिल्कुल, लोगों को देना चाहते थे, पर अपनी जिंदगी के आखिरी 5-6 सालों में उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि लोग मुझे इतना पसंद नहीं करते, जितनी कामयाबी मुझे मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। अब देखिए अजीब इत्तेफाक की बात है कि उनकी जिंदगी की पहली ऑल इंडिया सिल्वर जुबली उनके जाने के 6 महीने बाद रिलीज हुई जी। उसका नाम था मौसम जी। उनकी पहली जिंदगी की गोल्डन जुबली उनके जाने के 1.5 साल बाद रिलीज हुई लैला मजनू जी। पहली बार जिंदगी में अगर उनका गाना बिना का गीत वाला का नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द ईयर बना तो उनके जाने के बाद, तो ये कामयाबी देखने के लिए वो रहे नहीं। तो अच्छा लगता है पर कहीं ना कहीं एक खालीपन भी महसूस होता है कि काश वो अपनी जिंदगी में वो ये सब देख सकते तो शायद कुछ साल
और हमारे साथ बिता सकते हैं। बिल्कुल, आपके पास बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं मदन जी से जुड़ी हुई, कुछ पर्सनल यादें भी हैं और फिल्मी गानों से जुड़ी हुई कहानियां भी हैं। तो मुझे लगता है कि मदन जी को याद करते हुए हम अभी थोड़ी देर पहले जब आप आए तो गाना बज रहा था लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, और आप बिल्कुल यादों के गलियारों में भटकने लगे, क्यों ना वहीं से शुरू करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूं कि मदन जी बड़े ही इमोशनल इंसान थे जी, और मैं कभी कभी सोचता हूं कि उनके दिल में ना जाने कितने हजारों कंपार्टमेंट्स रहे होंगे जहां अलग अलग लोग रहते हैं। जिस कंपार्टमेंट का मैं जिक्र आज अभी करने वाला हूं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, उसका अगर जिक्र मैंने नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैं मदन जी और उनके संगीत के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करूंगा जी। देखिए, मदन जी जिस दौर में वो रहे और जिस दौर में काम किया, उस जेनरेशन की सबसे बड़ी कमाई शायद यही थी कि उन लोगों ने जो रिश्ते कायम किए जिंदगी में आपस में, वो रिश्ते ताउम्र रहे। बिल्कुल, और जो सबसे करीबी और इम्पोर्टेंट रिश्ता रहा उनकी जिंदगी में वो उनकी छोटी बहन, उनकी बेटी स्वर्गीय लता जी की बात कर रहा हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं यूनुस जी के उनके गाने सुनते हुए कि अगर उन्हें लता मंगेशकर जैसी सिंगर नहीं मिली होती, उन्हें मोहम्मद रफी साहब जैसे सिंगर नहीं मिले होते, उन्हें तलत महमूद साहब जैसे सिंगर, तो शायद उन गानों में वो बात पैदा नहीं होती। ये वो सिंगर्स हैं, ये मेरा मानना है, जो गाने को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देते। अब आपने बात की लग जा गले की, अभी लग जा गले एक अचम्मा बन चुका है, इट्स अ मिरेकल। आज अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो यूट्यूब पे 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज इस गाने के हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी पुराने गाने के इतने व्यूज हैं। बिल्कुल, पर मनोज कुमार साहब से मेरी मुलाकात, वो हीरो थे इस फिल्म के और ये बात हमेशा बड़ी मशहूर रही है, उन्हें संगीत का बहुत शौक, शेरो शायरी का बहुत शौक, जबान का बहुत शौक, तो इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग के वक्त और स्क्रीन प्ले लिखने के वक्त वो राज खोसा साहब के साथ बहुत करीबी तौर से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि मदन जी को सिचुएशन दी गई, सिचुएशन के लिए राजा मेहरी अली खान साहब ने गाना लिखा, मदन जी ने कंपोज किया, मदन जी ने कुछ गिने चुने लोगों को ये ट्यून सुनाई, जिसमें से लता जी भी थी, सबको बहुत पसंद आई। अब बात आई राज खोसा साहब की, राज खोसा साहब का देखिए मदन जी से रिश्ता तब से है जब मदन जी ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म की थी जिसका नाम था आंखें, आंखें देवेंद्र गोयल, आंखें में उन्होंने एक गाना भी गाया था मदन जी के लिए जी। इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, एक कोरस सॉन्ग है। मैंने फिल्म तो देखी नहीं पर उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप फिल्म की टाइटल्स देखें तो उनका नाम आता है फिल्म के टाइटल्स में एज अ म्यूजिक असिस्टेंट टू मदन जी। वाह, वो मदन जी की म्यूजिक असिस्टेंट, उस जमाने से उनको संगीत का दीवानेपन के हद तक शौक, और ये बात हमेशा उनके बारे में बड़ी मशहूर कि उनको म्यूजिक की बड़ी समझ। तो मदन जी ने उनको बुलाया अपने म्यूजिक रूम में और कहा कि आप आइए, मैं आपको ट्यून सुनाना चाहता हूं आपकी सिचुएशन के लिए। अब वो आए, वो पता नहीं, देखिए आर्टिस्ट पता नहीं कभी कौन से मूड में होता है, वो बैठे नीचे और जैसे ही मदन जी ने उनको ट्यून सुनाई, उन्होंने कहा मदन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया, आपको इससे बेहतर करना पड़ेगा। ये कह के वो चले गए। अब उनको शूट करना था ये गाना अगले हफ्ते जी, डेट्स थी सादा जी की जो बहुत बड़ी स्टार थी उस जमाने में। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे एनएन सिप्पी साहब, मदन जी के म्यूजिक रूम के बिल्कुल पीछे रहा करते थे, तो मदन जी ने उनको फोन लगाया शाम को, थोड़े से परेशान हो गए क्योंकि एट्यूड मदन जी को बहुत पसंद थी। तो उन्होंने कहा कि सिप्पी साहब कहाँ हैं आप, तो उन्होंने कहा सर मैं घर पे बैठा हूं। तो उन्होंने मदन जी से पूछा हंसते हुए कि मदन जी आपने कितने बजे थे जब वो आए। तो मदन जी ने कहा कि 4:30 बजे। तो कहते शायद अगर वो रात को 9 बजे के बाद आते तो फिर बात कुछ अलग होती, मौसम कुछ और होता। अब ये फ्राइडे की बात है जी, तो मदन जी ने एक सिटिंग बुलाई संडे के दिन दोपहर। एक और बात बताऊं, मदन जी खाना बहुत अच्छा बनाते थे खुद, ही वाज अ वेरी गुड कुक, उनको खाना बनाने का और खाना खिलाने का बहुत शौक था। तो उसी वक्त राज खोसा साहब को घर पे फोन किया गया, वो बांद्रा रहते थे, और मनोज कुमार ने कहा कि संडे को आप आ जाइए दोपहर को, मदन जी अपने हाथ से खाना बना रहे हैं और हमको गाना फाइनलाइज करना है। अब छोटी सी कहानी है कि राज खोसा साहब को बड़े अच्छे जूते पहनने का बहुत शौक था जी जी, तो एक खास चाइनीज शू मेकर से वो हैंडमेड शूज बनाते थे जो बहुत महंगे होते थे उस जमाने में। तो वो आए मदन जी की म्यूजिक रूम में, सिप्पी साहब बैठे हैं सामने, मनोज कुमार बैठे हैं, 4-5 म्यूजिशियन हैं, राजा साहब बैठे हैं। तो उन्होंने जूते अपने उतारे और वो
आके नीचे गद्दे पे बैठ गए। तो मनोज कुमार जी ने उनसे कहा कि खोसला, मदन जी ने आपको उस दिन चूर कहते, पर मैंने तो पहले ही मना कर दिया, तो क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। कहते नहीं, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप फिर से सुन लें, एक रिक्वेस्ट, आपको पसंद नहीं आता दूसरी चून। उन्होंने कहा ठीक है सुना। जैसे उन्होंने फिर से सुनी, मदन जी ने खुद गा के सुनाई, तो वो इधर उधर देखने लगे कि यार मेरा जूता कहाँ है। उन्होंने मनोज कुमार जी, तो मनोज कुमार जी क्या कहते, दिल कर रहा है मैं अपना ये जूता उठा के अपने सर पे मारूं। ओह गॉड, मैंने इस ट्यून को मना कर दिया। रिजेक्ट कैसे किया इसको? अब देखिए इत्तफाक की बात क्या कि उस दिन ये ट्यून रिजेक्ट हो जाती उस संडे की दोपहर को, तो शायद मदन जी कभी ये गाना रिकॉर्ड करते ही नहीं। मदन जी कहते कि उनको पसंद नहीं, चलो कुछ और बनाते हैं। तो मैं ये जरूर मानता हूं, और ये मुझे हिस्ट्री ने बताया, संगीत की हिस्ट्री ने, कि हर क्रिएशन की अपनी एक कहानी होती है। क्या बात वो है? कोई भी क्रिएशन हो, बिल्कुल एक डायरेक्शन होती है जिससे वो चलता है। तो लग जा गले, मनोज कुमार जी ने बड़े फखर के साथ मुझे कहा था इस गाने को मैंने बचाया है। वाह, अगर मैं नहीं होता तो शायद ये गाना कभी रिकॉर्ड होता ही नहीं। और आज ये गाना अल्टीमेट सॉन्ग जी माना जाता है। बिल्कुल, तो ये गाना सुनते हैं। जी बिल्कुल। समीर जी, एक गाना मदन जी ने रेलवे स्टेशन पे बना दिया था, ये भी कमाल की बात है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी देखा था कि हर गाने की कहानी होती एक है। कहानी होती है, एक किस्मत होती है। अजीब दफा की बात है कि 62 के बाद मदन जी का एक छोटा सा अच्छा पीरियड है, अनपढ़ नाम की फिल्म 62 में जी पहली बार नॉमिनेशन हुआ फिल्म फेयर के लिए, फिल्म फेयर मिला नहीं। फिर 64 में वो कौन थी आई, हकीकत आई। 64 मदन जी के करियर का बहुत अहम साल मैं मानता हूं, 8 फिल्में रिलीज हुई और 8 फिल्म का म्यूजिक सुपर डुपर हिट, तो उसके बावजूद काम कुछ खास था नहीं। देखिए, मैंने रिश्तों की बात की, 3-4 साल पुरानी बात है
कि करीबन 40-42 सालों के बाद उनके एक बड़े अजीज पुराने दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, धर्मिंदर जी से। जी जी। धर्म जी ने अपने करियर की शुरुआत के दौर में करीबन 8 फिल्में मदन जी के साथ की और मैं गया उनके घर, बड़े प्यार से मिले, गले लगाया अपने, रोने लग गए और मुझसे कहा कि मदन जी ना ही मेरे बड़े भाई की तरह, ही वाज लाइक अ फादर फिगर, बहुत प्यार करते थे मुझसे। तो जिस जमाने की ये बात है, 65 की बात है, शायद एक ही फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे वो, जिसका नाम था दुल्हन एक रात की। ये फिल्म थोड़ी सी डिले हो चुकी थी, शुरू हुई फिर बंद हो गई फिर शुरू हुई, जिसके हीरो धर्मजीत। अब उनको गाना अगले 5 दिनों में रिकॉर्ड करना था क्योंकि धर्मजीत कहते हैं कि हम लोग देहरादून जा रहे थे इस गाने को शूट करने, क्योंकि मदन जी थोड़ा से परेशान रह रहे थे, उन्हें कोई काम नहीं था। लता जी ने उनसे कहा कि मेरे पहचान के गुरु जी हैं जो नाला सुपारा नाम की जगह में रहते हैं और वो कुंडलियां पढ़ते, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके पास जाए अपनी कुंडली लेके। तो मदन जी लता जी का कहा कौन टाले जी। अब उस जमाने में नाला सुपारा जाने के लिए एक शटल सर्विस होती थी, हर आधे घंटे एक ट्रेन होती थी। नाला सुपारा शायद इतना डेवलप नहीं था उस जमाने में जितना आज है, और आखिरी ट्रेन रात के 11:30 बजे की थी। तो धर्म जी कहते कि मैं, राजा मेहदी अली खान साहब, मदन जी के असिस्टेंट घनश्याम जी, हम लोग सब पहुंचे ट्रेन पकड़ने के लिए, आखिरी ट्रेन 11:30 बजे की। हम पहुंचे स्टेशन 11:40 जी, पता चला कि आखिरी ट्रेन निकल चुकी है और अगली ट्रेन सुबह की 6:00 की है। मदन जी ने कहा कि अब कहां घर जाएंगे वापस हम, तो चलो कल सुबह 6:00 पहली ट्रेन पकड़े। तो वो 12:15 और 6:00 की पीरियड के दरमियान राजा साहब ने प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए ये पूरा गाना लिखा है। गजब। ये गाना मदन जी ने वही कंपोज किया और धर्म जी कभी कभी मजाक से कहते कि बहुत कम लोग थे अंधेरी स्टेशन पर, उन लोगों को लगा था कि ये लोग पता नहीं शायद पागल खाने से भाग के आए हैं, कि ये आदमी जोर जोर से गाई जा रहा है प्लेटफॉर्म पे, और तो बड़ा अजीब हास्यपद सा माहौल हो गया वहां पर गाना वही बना। और ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये रफी साहब को गाना बहुत पसंद था और ये गाना इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक का बहुत खूबसूरत मिलन है। फिल्म दुल्हन एक रात की का रफी साहब का गाया हुआ शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सोनी सोनी जिंदगी में कोई शमा दिल मिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। एक हंसी दिल मेरा खो गया। कारवा को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया।
समीर जी, मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं मदन जी की आवाज में नैना बरसे सुनता हूँ, क्योंकि एक एक हिस्सा रिकॉर्डिंग का रह गया है। ये क्या कहानी थी कि शूट पर मदन जी की आवाज गई? नैना बरसे की बहुत लंबी कहानी है जी। नैना बरसे मदन जी ने 1948 में कंपोज किया था। ओहो हो हो हो, ये राज खोसा साहब ने हमें बताया जी। जिस जमाने में वो मदन जी के असिस्टेंट हुआ करते थे। हाँ जी। और दोस्ती थी, रोज शाम को इकट्ठा बैठते थे। तो मदन जी ने को ये ट्यून तब सुनाई थी और करीबन 16 साल वो लोगों को ये ट्यून सुनाते रहे और किसी को पसंद नहीं आई। राज खोसला, जब तक वो कौन थी बननी शुरू हुई, राज खोसला साहब हिट डायरेक्टर बन गए थे। एक मुसाफिर एक हसीना उनकी बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उन्होंने मदन जी को याद दिलाया कि तुम्हें याद है मदन, ये ट्यून तुमने बनाई थी उस वक्त, ये एक हॉन्टिंग सी ट्यून है, आलाप से शुरू होता है गाना, मुझे याद है। मैं चाहता हूं कि मेरे फिल्म का थीम सॉन्ग जो है वो ये ट्यून। वाह वाह वाह। तो मदन जी ने कहा कि तुम्हें याद है तो ये गाना तो। अब हुआ ये कि उस जमाने में सुने में आया कि लता जी काफी बीमार रहती थी, उन्हें साइनस की प्रॉब्लम थी। तो कई बार ये होता था कि दिनों दिन रिकॉर्डिंग्स कैंसिल हो जाती थी, क्योंकि शूटिंग के पर्पस के लिए टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो किसी न किसी को गाना पड़ता था ताकि गाना शूट हो सके। अभी दो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जी। एक तो कहानी मुझे मनोज कुमार साहब ने खुद बनाई कि एक अंतरा है कि वो महाबलेश्वर में ये गाना शूट हो रहा था, हालांकि दिखाया गया है कि शिमला है, और महाबलेश्वर के लेक के बैंक के ऊपर एक बेंच पे वो बैठे हैं और लेक में एक बोट चल रहा है जिसमें कोई नहीं है जी जी। और गाना बैकग्राउंड में दिखाने की कोशिश ये की गई थी कि एक आत्मा कहीं से दूर पहाड़ी से खोसा साहब ने कहा 1 2 3 एक्शन। अब मनोज कुमार साहब को ये नहीं बताया गया था कि गाना जो नागरा पे आया है शूट करने के लिए ये मदन जी की आवाज में है। उन्होंने फीमेल आवाज मदन जी की आवाज सुनी, उनको लगा कि वाकई कोई आत्मा गई, वो सेट छोड़ के भाग गए। ओहो। और वो इतने घबरा गए कि बड़ा मजा बात हुई, उन्होंने फिर अपनी पंजाबी जबान में उनको कुछ बहुत अच्छी सी बातें भी सुनाई कि मुझे बताया क्यों नहीं आपने जी। अब एक तो ये कहानी, अब दूसरी कहानी मुझे साधना जी ने बताई जी। कहती कि मेरे महबूब के बाद मैं तो बहुत बड़ी स्टार बन गई थी, क्योंकि शिमला में गाना हम स्नो में शूट कर रहे थे, तो स्नो का मौसम और टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं, तो कहते लोगों को पता चला कि साधना जी आई है शूटिंग के लिए, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। अब वही हुआ कि गाना शूट हो रहा है लड़की पे और आवाज लड़के की, तो एक सरदार साहब अपनी फैमिली के साथ आए थे, तो अपनी वाइफ से उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, गाना पिछड़ा है जोरा लड़की पे और ये पिक्चर चलेगी नहीं बिल्कुल, ये फ्लॉप फिल्म है, चलो यहां से चलो। तो ये कहानी थी बस। क्या बात है, ये गाना सुनते हैं। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना, अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना, मेरा जो हाल है तुझ बिन हुआ कर दे। Thank you.
मदन जी के बहुत सारे गाने ऐसे हैं, बल्कि ज्यादातर गाने ऐसे हैं जो टाइमलेस हैं। आज भी वो गाने जो हैं वो दुनिया भर के रेडियो स्टेशंस बजाते हैं, विविध भारती पर सुनाई देते हैं। समीर जी, मौसम के एक गाने के लिए उन्होंने ढेर सारी ट्यून्स बनाई थी। नहीं मदन जी, किसी भी सिचुएशन के लिए 5-6 अलग अलग ट्यूने बना के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सुनाते थे हर गाने के लिए। जी तो मौसम के लिए भी यही हुआ कि अलग अलग ट्यूने बनी, क्योंकि बिगिनिंग का शेर जो है वो गालिब का शेर है। हाँ। उस पर इलेबरेट करते हुए गुलजार साहब ने अपने अंतरे लिखे। तो अजीब बात है कि मदन जी के गुजरने के करीब 15-20 दिन के बाद मेरे बड़े भाई संजीव जी और मैं जब हम मदन जी के म्यूजिक रूम में गए तो उनके स्पूल्स पे हमें ये ट्यून मिल गई, मिली उनकी आवाज में खुद। ये ट्यून हमें बहुत पसंद आई, किसी न किसी वजह से गुलजार साहब को दूसरी ट्यून पसंद आई जी, पर ये ट्यून हमेशा हमारे जहन में रही। और जब वो हिस्टोरिकल फिल्म जिसका नाम वीर जारा है बनने का वक्त आया तो हमें याद आया, तो संजीव जी ने जब ये ट्यून यश चोपड़ा साहब को सुनाई तो यश चोपड़ा साहब ने उनसे कहा कि ये मेरे पिक्चर का थीम सॉन्ग होगा और मुझे एक ही ट्यून चाहिए। संजीव जी उस जमाने में यश चोपड़ा साहब की कंपनी के सीईओ थे। जी जी। तो उन्होंने अड़ गए, उन्होंने कहा कि अगर मदन जी का म्यूजिक आप ले रहे हैं तो मैं आपको एक ट्यून नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि इस गाने के ट्यून के बगैर मैं फिल्म बना नहीं सकता हूं, तो आप मेरी पिक्चर के लिए 8 और ट्यूनें ढूंढिए। वाह। और देखिए ऊपर वाले की अजीब मंशा थी कि हर सिचुएशन के लिए हमें एक रेडीमेड ट्यून मिली। अब जैसे कि देश का गाना है जी, उसके लिए ट्यून मिली, लोहड़ी के गाने के लिए हमें ट्यून मिली, कवाली के लिए हमें ट्यून मिली। तो क्यों कभी कभी महसूस ये होता है कि ऊपर वाले ने ये बात तय की थी कि उनके जाने के 30 साल बाद एक ऐसी फिल्म बनेगी जो उस वक्त के सबसे बड़े फिल्म मेकर बना रहे थे। बिल्कुल। जो मदन जी को अपने जीते जी नहीं मिले, मदन जी ने जीते जी कभी दिलीप कुमार साहब के साथ फिल्म नहीं की, उस जमाने के सबसे बड़े हीरो शाहरुख खान साहब, उस फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ये शायद ऊपर वाले ने तय किया था कि मदन जी के जीते जी नहीं होगा पर उनके जाने के बाद होगा। कितना बड़ा कमाल है कि वो ट्यून रही आई और फिर जी गाना सुनते तेरे लिए हम हैं जी, जो दिल ढूंढता है कि एक ट्यून से निकल कर आया गाना है। इससे पहले मदन जी की आवाज में मेकिंग ऑफ म्यूजिक में वो बजा मदन जी की आवाज
समी जी, हम मदन जी की याद के दिन मदन जी की बहुत सारी चीजें याद करें। एक फादर के रूप में वो कैसे थे, कितने सख्त, कितने डिसिप्लिन्ड, कुछ पर्सनल यादें हमारे साथ बांटिए। ये स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड तो बहुत ज्यादा थे। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग रह गए हैं अब यूनुस जी जिन्होंने मदन जी के साथ जीते जी काम। उनमें से एक आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उत्तम सिंह जी। बिल्कुल, वैसे तो पारिवारिक मित्र हैं हमारे, पर पिछले 2-3 साल में कुछ काम की वजह से कि मैं बहुत वक्त गुजारूं उनके साथ में, उन्होंने मुझे कहा एक बार कि जितने शार्प कान मदन जी के थे शायद ही किसी और संगीतकार के थे। बिल्कुल, अगर 20 वायलिंस बज रहे हैं तो लास्ट रो में जो अगर एक वायलिन थोड़ा सा बेसुरा बज रहा है तो उनके कान तक ये बात पहुंच जाती थी। तो हमेशा वो हमारे लिए पिता से ज्यादा एक दोस्त, मैंने एक दोस्त पाया। हमें स्विमिंग के लिए ले जाते थे, इंग्लिश फिल्में देखने का बहुत शौक था उन्हें, हमें खाना खाने का बहुत शौक, गाड़ी कुछ दिन हमेशा खुद चलाते थे। मेरे भाई साहब एक किस्सा सुनाते हैं कि मैं तो शायद पैदा भी नहीं हुआ था जब जी जी वर्ली सीफिस में एक दिन गाड़ी चला रहे थे और बच्चे थे मेरी बहन और मेरे भाई, तो बच्चों ने उनसे फरमाया कि और तेज चलिए और तेज चलिए, तो उन्होंने गाड़ी थोड़ी तेज चलाई। उस जमाने में ट्रैफिक इतना नहीं होता था, तो पीछे से अचानक पुलिस जीप की सायरन सुनाई दी। जी जी, तो संजीव जी कहते हम लोग तो रोने लग गए गाड़ी में, हमको लगा पता नहीं पुलिस आ रही है, डैडी को पकड़ के ले जाएगी। तो वाकई पुलिस की ही गाड़ी थी जी, हमारी गाड़ी के आगे आके रुकी वो, और पता चला कि पुलिस ट्रैफिक कमिश्नर खुद गाड़ी चला रहे थे। और उन्होंने कहा कि मदन जी मैंने आपको इसलिए रोका है क्योंकि कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट आई थी फिल्म फेयर अवार्ड्स की, मदन जी पहली बार अनपढ़ के नॉमिनेट हुए थे जी, वो गाना बहुत हिट हुआ था आपकी नजरों ने समझा जी। तो मदन जी, हम इन सबको ये लगता है कि दैट सॉन्ग वॉज डिजर्विंग ऑफ अ फिल्म फेयर अवार्ड, तो ये आपको रोका मैंने इसलिए कहने के कि गाना कमाल का बनाया है। और एक और छोटी सी हिदायत दूं, गाड़ी थोड़ी आस्ते आप चलाए तो सबके लिए अच्छा होगा। वाह वाह वाह। अब जैसे देखिए इस गाने का जिक्र हुआ, देखिए इस फिल्म के जो मेकर थे मोहन कुमार साहब डायरेक्टर, उन्होंने एक किस्सा नरेट किया था कि सिचुएशन उन्होंने राजा साहब को दी, राजा साहब ने गाना लिखा, मदन जी ने गाना कंपोज किया, लता जी आई म्यूजिक रूम में, गाना रिहर्स हुआ और ये बात तय हुआ कि संडे के दिन रिहर्सल हुई और थर्सडे को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मोहन कुमार जी कहते हैं कि जब मैं स्टूडियो पहुंचा थर्सडे को फेमस स्टार दियो, तो देखा कि एक कमरे में मदन जी हारमोनियम पे बैठ के कुछ गुनगुना रहे हैं, एक कोने में राजा साहब बैठे हुए हैं और मदन जी बिल्कुल लीन खोए हुए हैं, जैसे कि वो एक ट्रांस में चले गए हैं। ये मुखड़ा बार बार अलग अलग धुनों में गाने की कोशिश, आपकी नजरों ने समझा। तो कह रहे मैंने तो 10 मिनट को डिस्टर्ब किया नहीं क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में थे। 10 मिनट के बाद उन्होंने जब आंख खोली तो मैंने उनसे मजाक से कहा कि मदन जी गाना रिकॉर्ड कर रहे ना, कहते हाँ हाँ ऑफ कोर्स, कहते ये तो अभी राजा आया अभी, उसे मुझे ये मुखड़ा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको आगे जाके कहीं यूज करेंगे, बहुत अच्छा मुखड़ा। तो उन्होंने कहा पता नहीं मैंने क्यों मदन जी से कहा उस वक्त के, मदन जी एक बात कहनी आती कि जिस सिचुएशन के आज हम गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं मुझे लगता है कि इससे बेटर मुखड़ा उस सिचुएशन के लिए हो ही नहीं सकता। वाह। तो कहते मदन जी ने मेरी तरफ यू देखा कि मैं पागल खाने से दौड़ के आ गया हूं, कहते कैसे हो सकता है। तो कहते नहीं कुछ करिए आप लोग दोनों जीनियस हैं, तो आप यकीन माने कि आधे घंटे में राजा साहब ने ये पूरा गाना लिखा है, मदन जी ने इसको आधे घंटे में पूरा कंपोज किया है। गजब। और लता जी जब आई तो उनसे कहा गया कि रिकॉर्डिंग हम कल इसलिए करेंगे क्योंकि मास्टर सोनिक जो मदन जी के अरेंजर थे जी जी, उनको ये गाना अरेंज करना पड़ेगा। तो ये गाने की ट्यून टोटली चेंज हो गई। वाह। विद इन हाफ एन आवर। देखिए लता जी और मदन जी का रिश्ता कैसे होता है, सबसे पहले तो हमसे मैं कहूं दुनिया जानती है मदन जी की बहन थी वो। मदन जी की डेथ 1975 में हुई, मेरी मदर की डेथ 1980 में हुई। और मुझे याद है कि मेरी मदर की जब डेथ हुई तो वो घर आई हमारे और हम तीनों बच्चों को उन्होंने कहा कि अब तक तो मैं तुम्हारी बुआ थी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूं। उफ, क्या बात। और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक वो हमारे साथ यूं पेश आई जैसे कि एक माँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये गाना रिकॉर्ड कर रही थी और उस दिन रिकॉर्डिस्ट का कैबिन में नॉर्मली प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं जी हाँ, रिकॉर्डिस्ट होता है, लिरिक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, खर्चा खर्च भरा हुआ था। ओहो। धर्म जी जिंदगी में पहली बार, वो कहते हैं कि धर्म जी ने भी मुझसे कहा कि मैं रिकॉर्डिंग सुनने गया,
कि गाना रिकॉर्ड कैसे होता है, ये गाना जी आपकी। तो कहती मैं थोड़ी सी और नर्वस होगी, गाना बड़ा मुश्किल। कहती बदर जी ने दूसरी टेक में ओके कर दिया। तो कहती कि मैं बैठी रही, मुझे मेरे मेहनताने का चेक मिल गया, मैं निकल रही थी। कहते कि मैंने जब तब देखा कि वही रिकॉर्डिंग कैबिन जो आधा घंटे पहले खचाखच भरा हुआ था एकदम खाली था, सिर्फ मदन जी अकेले बैठे और बहुत गुमसुम से मुझे नजर आए। तो कहती मैं थोड़ा सा डर गई, पता नहीं को पसंद नहीं आया या क्या बात। तो कहती मैंने बट डरते डरते दरवाजा खोला, उन्होंने कहा कि बेटी तुम अंदर आओ। और कहते मैं अंदर गई और उन्होंने मुझसे कहा मैं चाहता हूं कि तुम ये गाना रिकॉर्डेड गाना फिर से बैठ के मेरे साथ सुनो। वाह। और उन्होंने कहा कि तुमने कमाल कर दिए। पर कहते कि आज मैंने एक फैसला किया है कि आज के बाद मैं तुम्हें तभी रिकॉर्डिंग पे बुलाऊंगा जब मुझे लगता है कि जिस गाने को मैं तुम्हें बुला रहा हूं तुम्हारे अलावा और कोई गा नहीं सकता है। क्या बात है। पर तुम्हें मुझे इसके बदले में एक वादा करना पड़ेगा कि मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं रिकॉर्डिंग के लिए तुम मुझे कभी मना मत करना मेरी रिकॉर्डिंग के लिए। और क्योंकि हो सकता है कि मुझे छोटी फिल्में मिलती हैं, कभी कभी प्रोड्यूसर के पास तुम्हारे पैसे देने के लिए बजट नहीं हो, तो जितने पैसे कम होंगे उसकी भरपाई मैं कर दिया करूंगा। और कहते उनकी जिंदगी के आखिरी दिन तक उसके बाद मैंने कभी उनकी रिकॉर्डिंग, हाँ कहते मैं कभी कभी बीमार पड़ गई तो दूसरी बात है, पर मैंने कभी रिकॉर्डिंग मना नहीं की उनकी। क्या बात है। ये गाना सुन लिया जाए। जी जी हमें समीर जी, बहुत सारी बातें मदन जी की हो रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये जो गाने हैं ये बहुत जज्बाती करने वाले गाने हैं। मदन जी के गाने जो हैं वो दिमाग नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में उतरते हैं, लेकिन कम लोग इस बात पर गौर करते हैं कि उन्होंने कुछ कॉमेडी गाने भी बनाए हैं और उनका कॉमेडी का फ्लेवर बड़ा कमाल का था। मैं चाहता हूं कि इस पर आप कुछ कहें। मेरे ख्याल से जब वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में रहे जी तो वो एक टर्निंग पॉइंट रहा उनके करियर में, क्योंकि वहां से शायद उन्हें जबान का बहुत शौक हुआ जी, तो ज्यादातर उन गानों को पसंद करते थे जिसमें थोड़ी सी जबान अच्छी इस्तेमाल हो। अब जहां पर कॉमेडी सॉन्ग की बात है, मैंने जैसे आपसे कहा कि किशोर दा के साथ शायद उन्हें 8-9 फिल्में ऐसी की जिसमें वो हीरो खुद थे। अब वो कैरेक्टर्स जिस तरह से करते थे तो आप जानते हैं कि वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते थे, तो सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इनका जिक्र क्योंकि जहां एक तरफ एक था अब्दुल रहमान आता है, सुनिए सुनिए आजकल की लड़कियों का प्रोग्राम जैसे गाने आते हैं, तो ये जरूरत है, जरूरत, जरूरत है, जरूरत है मनमौजी का, तो ये भी आते हैं। पर दूसरी तरफ आते हैं लता जी के, रफी साहब के बेमिसाल गाने जो आज भी हमें जज्बाती कर देते हैं। एक चीज और मैंने गौर की और वो ये है कि सितार की जो सजावट उनके गानों में होती है, जो रईस खान साहब का और उनका साथ था, उस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए बात फिर से आती है ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। जी जी बिल्कुल। लखनऊ उस जमाने में शायद इंडिया का कल्चरल कैपिटल माना जाता जी, और जो
नौकरी कर रहे थे वो, बेसिकली वो म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए थे वहां पे। हाँ जी, रेडियो के लिए गाने रिकॉर्ड करते थे, और हर शाम को सुना है कि महफिलें जमती थी। उस जमाने में बेगम अख्तर थी वहां पे, जिनसे बहुत करीबी रिश्ता था मदन जी का, तलत महमूद साहब उनके एक और बड़े बड़े अजीज जी दोस्त, वो भी आजाद साहब थे वहां पे जी। उस ही जमाने में वहां पे उनकी मुलाकात अली अकबर खान साहब से हुई जी, और एक और बड़े अजीज दोस्त उनके वहां बने उस्ताद विलायत खान साहब। वाह वाह वाह। और पूरा जो 50s का दशक है, मदहोश से लेके शायद अदालत तक जी, या देख कबीर अरोया तक, जितने भी गानों में सितार यूज हुआ है वो सब उस्ताद विलायत खान साहब ने बजाया है। क्या बात है, क्या बात है। और एक वक्त आया जब वो शायद मुंबई छोड़ के जा रहे थे, वो देहरादून सेटल हो रहे थे, तो मदन जी के पास आए और उन्होंने कहा, मदन मैं जा रहा हूं बॉम्बे से, ये मेरा भांजा है, ये बिल्कुल मेरे ही स्टाइल का, जो गायकी अंग सितार का तुम्हें बहुत पसंद है, बजाता है, तुम इसको सुनो और मैं चाहता हूं कि तुम इसकी सितार का इस्तेमाल करो। अब देखिए उस जमाने में मदन जी एक फिल्म कर रहे थे, AVM प्रोडक्शंस की फिल्म पूजा के फूल, उसके लिए गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया था, मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। और जिस गाने में उन्होंने पूरे संतूर का इस्तेमाल किया है, जो मरहूम शिव कुमार शर्मा जी ने बजाया। अब वो गाना उनको सुना रहे थे कि मैंने कल ही गाना रिकॉर्ड किया है ये, तो सामने सितार पड़ा था, तो रईस खान साहब ने सितार उठाया और उस ट्यून से इतने मुतासिर हुए, अगर मैं होता तो मैं शायद इस तरह बजाता आ गया, इस तरह के पीसेस करता। मदन जी सुन के उछल पड़े। देखिए उस जमाने में एसटीडी कॉल्स तो होते नहीं थे जी हाँ, तो उन्होंने ट्रंक कॉल बुक की, AVM प्रोडक्शंस मद्रास की फिल्म, मद्रास ट्रंक कॉल बुक किया गया, AV मैयप्पन साहब से बात हुई फोन पे, उन्होंने कहा कि सर मैं ये गाना फिर से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो, और अगर पैसों की प्रॉब्लम तो मैं गाना अपने पैसों पे रिकॉर्ड करूंगा, बट आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड इट इन अ डिफरेंट वे। उनको भाई भाई का म्यूजिक मदन जी का इतना पसंद आया था, तो उन्होंने कहा सर वी हैव फुल फेथ इन यू, तो ये गाना फिर से रिकॉर्ड हुआ है, और ये रईस खान साहब का पहला गाना था मदन जी के लिए। वाह वाह। मदन जी के आखिरी दिनों में कुछ अनबन सी हुई 1973 में, और मामला यहां तक आ गया कि मदन जी ने कहा कि अब मैं रईस खान साहब के साथ काम नहीं करूंगा जी। अगर आप नोटिस करें तो सितार ही चला गया मदन जी के संगीत से। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है यहाँ कौन सा गाना सुना जाए, पूजा के फूल सुने, दस्तक सुने? पूजा के फूल का गाना सुने जरूर, जो पहला गाना था जो रईस खान साहब ने। बिल्कुल, ये मेरी आंखों से कोई नहीं, ये गाना सुने। रात भर जागेंगे हम तुमसे छुप छुप के सनम, रात भर जागेंगे हम तुमसे छुप छुप के सनम, आंख झपके ना कभी चांद तारों की कसम, दिल मेरा आज इकरार किए जाता है, दूर से प्यार का पैगाम दिए जाता है, उसे कोई नींद लिए जाता है। समीर जी, मदन मोहन की यादों को बांटते हुए अभी आपने भाई भाई का जिक्र किया तो मुझे बेगम अख्तर याद आ गई। मुझे लगता है कि जब हम चूंकि यादों की इस महफिल को सजाए हुए हैं तो
तो वो किस्सा भी सुना ही दीजिए भाई भाई के गाने का। ये मैंने उनकी आवाज में आपने खुद सुना है बिल्कुल अमीन साहब के एक इंटरव्यू के लिए कि वो मदन जी को हमेशा से बहुत पसंद करती थी। इनफैक्ट ये बात मुंबई शहर में मशहूर थी कि वो जब आती थी तो आपको मदन मोहन साहब कहां मिलेंगे, तो लोग मजाक से कहते थे बेगम साहिबा की इर्द गिर्द देख ली कहीं ना कहीं। एक म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी जिसे कहते हैं जी जी वो थी। मदन जी से कभी कभी मजाक से वो कहती भी थी क्या मैं अच्छा गाती नहीं हूँ, आप मुझसे कभी गाने गवाते नहीं हो। मदन जी हमेशा कहते हैं कि वो उनकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है जी। तो ये कहानी उन्हीं के मुंह से सुनी कि भाई भाई का जब म्यूजिक रिलीज हुआ उस जमाने आपका रेडियो विविध भारती सबसे बड़ा जगह थी जान लो। कहती मैं रात को एक कॉन्सर्ट खत्म करके अपने होटल के कमरे में आई और करीब 12-15 लोग मेरे सुइट में बैठे हुए थे और किसी ने रेडियो चला दिया तो ये गाना कदर जाने ना बजने लगा रेडियो। तो कहती कि मुझे इतना पसंद आया तो मैंने एक तो सबको चुप करा दिया, 3 मिनट का गाना मैंने सुना और कहती उसी वक्त रात के 11 बज चुके थे, हमने मुंबई ट्रंक कॉल बुक किया, मदन जी से बात की और जितने 12-15 लोग थे कम से कम 22 मिनट तक वो ट्रंक कॉल चलता रहा, सब ने मदन जी की आवाज में वो गाना सुना। उफ क्या बात है। कि जो आखिरी दौर के साल थे वो थोड़े निराशा से भरे थे क्योंकि हो ये रहा था कि बेमिसाल काम हो रहा था लेकिन वो कहीं ना कहीं बड़े बैनर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, अवार्ड्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, अवार्ड्स नहीं मिल रहे थे या उस तरह की तारीफें नहीं मिल रही थी जिनके वो हकदार थे। उस दौर के बारे में हमें कुछ बताइए और मौसम के गाने का भी हम जिक्र करना चाहेंगे। देखिए वो दौर बहुत मुश्किल रहा उनके लिए जिंदगी के आखिरी 5-6 साल और अजीब इत्तफाक है देखिए मैं क्या बताऊं आपको कि बहुत से गाने हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड किए उस जमाने में जिनके बोल उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। एक गाना था रस्मे उल्फत को निभाएं, उसमें एक अंतरा है दर्द में डूबे हुए नगमे तो हजारों हैं मगर साजे दिल टूट गए हो तो सुनाए कैसे। या वो आखिरी गाना जो लता जी ने उनके लिए गाया चेतन साहब की फिल्म के लिए मुश्किल है जीना बेदर्दों की दुनिया में, ये सब उनकी दिली कैफियत की तरफ इशारा कर रही थी जी। वो किसी से बात करे तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी के हर क्रिएशन ने मेरी जिंदगी के 2 दिन कम किए हैं। कहते आप तो म्यूजिक अप्रिशिएट करते हैं, आप सुनते हैं हम जब क्रिएट करते हैं, पर मैं ये गाना बनाने में कितनी बार जीता हूं कितनी बार मरता हूं ये मैं ही जानता हूं। उफ उफ। अब देखिए आज तो आम बात हो चुकी है कि सबके फार्म हाउसेस हैं लोनावला में खंडाला में, ये बात 74 की है। मदन जी अपने लिए लोनावला में एक फार्म हाउस बना रहे थे और क्योंकि काम बहुत कम था 2-3 फिल्में थी लैला मजनू और मौसम। गुलजार साहब ने मुझसे कहा कि उन्होंने पहले एक फिल्म की थी मदन जी के साथ कोशिश जी,
कोशिश में गानों का स्कोप था नहीं, ये डेफ एंड डम कैरेक्टर से दोनों। तो कहते ये बात मुझे बहुत खाई जा रही थी कि इतने टैलेंट म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैंने फिल्म तो की है पर मैं उनके संगीत के साथ इंसाफ नहीं कर सका। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसी फिल्म करूं जिसमें उनके संगीत को मैं पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकूं। तो कहते जब मुझे मौसम ऑफर हुई, साउथ के प्रोड्यूसर थे, तो मैंने इमीडिएटली मदन जी का नाम सुझाया। तो कहते कि मदन जी खुद सुपरवाइज कर रहे थे उस फार्म हाउस के बनाने का, और इधर मैं अक्सर जाता था वहां पे। मैं मदन जी से बहुत करीबी दोस्ती हो गई थी उनकी, मैं भूपिंदर जी जो मदन जी के डिस्कवरी रह चुके बिल्कुल मुंबई लाने वाले मदन जी थे, मदन जी की बहुत करीब, तो हम लोग अक्सर जाते थे। एक आउट हाउस बनाया था उन्होंने वहां पे, वो रहते थे वहां पे, खुद खाना बनाते थे, गाने वहीं बने ज्यादातर मौसम के। तो कहते कि हम लोग थे वहां पे और मंडे की रिकॉर्डिंग थी, गाना रिकॉर्ड करना था हमें, और बारिश बहुत जोरों की हो रही थी, शायद जुलाई या अगस्त का महीना था। और कहते गुलजार साहब कहते वहां एक फोन था, तो उस फोन पे मुझे बॉम्बे से एक ट्रंक कॉल आया कि आपको अचानक आप वापस आना पड़ेगा, कुछ पेपर्स साइन करने हैं आपको। तो मैंने मदन जी से कहा कि मदन जी मैं निकलता हूं, मेरे पास गाड़ी और ड्राइवर था। तो भूपी ने कहा कि मैं भी निकलता हूं। तो मदन जी ने कहा कि मैं तो काम चल रहा है यहां पे, मैं कल सुबह 6 बजे यहां से निकलूंगा। जिंदगी के आखिरी दिन तक वो गाड़ी खुद चलाते थे जी जी, उन्होंने कभी ड्राइवर रखा नहीं, और मैं सीधा स्टूडियो गाड़ी चलाते हुए पहुंच जाऊंगा, आप लोगों को सीधा स्टूडियो में मिलूं। उस जमाने पुराना बॉम्बे पुणे का हाईवे जी हाँ, और कोई मोबाइल फोन्स नहीं जी जी। तो गुलजार साहब कहते कि मैं 9:15 बजे सुबह स्टूडियो पहुंचा। मदन जी वक्त के बहुत ज्यादा पाबंद, वो आर्मी बैकग्राउंड के कुछ आदतें थी जो आई डिसिप्लिन। तो बारिश बहुत जोरों की हो रही थी, तो कहते मैंने पता किया कि मदन जी आए, कि अभी तक तो मुझे लगा कि शायद कहीं बारिश की वजह से कहते हमने ट्राई किया लोनावला उस लैंडलाइन पे, पर कोई फोन उठा नहीं रहता, मतलब वो निकल चुके थे वहां जी। लता जी आई करीब 10 बजे, उन्होंने कहा भैया आए कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि तब मैं थोड़ा सा घबराने लग गया। तो कहते कि मैं नीचे फिल्म सेंटर के कंपाउंड में टहल ही रहा था, वो पीता मेरे साथ में, करीबन 11 बजे एक ट्रक आके रुका फिल्म सेंटर के गेट पे, और एक ट्रक ड्राइवर जो एक सरदार जी थे वो बाहर निकले अपनी सीट से और पैसेंजर सीट पे, उन्होंने मदन जी को, मदन जी का सर टोटली फटा हुआ था, अरे बाप रे, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे करीबन 200 गज आगे थे गाड़ी स्किड हुई है हाईवे पे, गाड़ी पीछे खाई में जाके गिर गई, अरे चूर चूर हो गई, ये किसी न किसी तरह इनके रिफ्लेक्सेस तेज थे, ये बाहर कूदे पर उनका सर एक पत्थर से टकराया और नॉनस्टॉप खून बह रहा था। और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं आपको हॉस्पिटल लेके, उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की थी कि नहीं मुझे आप स्टूडियो पहुंचाइए। और उस हालत में लता जी ने मुझसे कहा कि मैंने अपने साड़ी का पल्लो फाड़ के उनके सर पे पट्टी बांध दी क्योंकि खून बंद होने का नाम, और सबने उनसे कहा कि आप हॉस्पिटल आपको लेके चलते हैं। कहते मैं हॉस्पिटल जाऊंगा गाना रिकॉर्ड करने के बाद, और उसकी वजह बहुत सिंपल है, कहते 2 दिन के बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये गाना शूट करना है, कहते आज अगर गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं चाहता नहीं हूं कि उनका नुकसान हो। मतलब इतना डेडिकेशन अपने काम की तरफ कि वो उस हालत में भी उन्होंने वो गाना रिकॉर्ड किया रुके रुके से कदम, जहां मदन जी मरते मरते बचे और वो यादगार गाना बना है।
एक और छोटी सी कहानी जुड़ी हुई इस गाने में जरूर। देखिए मदन जी की कितनी इज्जत लोग करते थे। एक तो मैं बताऊं, मदन जी पहली बार लंदन गए 1972 में। उस जमाने में आपको पता नहीं याद हुआ कि नहीं, फिलिप्स का एक इतना छोटा सा कैसेट का प्लेयर आता था। मदन जी को एक ऐसा एक प्लेयर मिला था। तो मदन जी जब वापस आए, मुझे भी थोड़ा बहुत शौक होने लगा था सुनने का। तो मदन जी ने मुझे एक सिंगर के कुछ कैसेट सुनाए जिनसे उनकी मुलाकात लंदन में मरहूम मेहदी हसन साहब अरे के साथ, और उनको तब पता था कि मेहदी साहब कितने बड़े प्रशंसक उनके संगीत के। जी मदन जी के जाने के बाद 1977 आपको मालूम एक हिस्टोरिक चीज हुई। जब 77 में मेहदी साहब पहली बार इंडिया आए तो उन्होंने हमसे कहा, मौसम 75 दिसंबर में रिलीज हुई, तो कहते कि जैसे ही गाना मैंने सुना रेडियो पे तो मैंने पाकिस्तान की ईएमआई कंपनी से इंडिया फोन करा के ये बात पता की कि मदन मोहन के स्टाइल का गाना कौन से नए संगीतकार ने बनाया है। और तब मुझे पता चला कि ये गाना मदन जी ने अपने जीते जी रिकॉर्ड किया था और ये फिल्म उनकी डेथ। तो कहना मैं यही चाह रहा था कि कितनी इज्जत कि वो ऐसे महान लोग। और मेहदी साहब की तो रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास अपनी महफिलों में, अक्सर प्राइवेट महफिलों में वो मदन जी की गजलें गाया करते थे। जी हाँ, क्योंकि उनको फरमाइशें में आती थी जी, कि आप हमको मदन जी के कोई। तो कहना ही चलो कि मदन जी की शायद सबसे बड़ी कमाई यही रही कि उन्हें इज्जत बहुत ज्यादा मिली। बिल्कुल। आज अगर आप किसी भी क्लासिकल म्यूजिक की फ्रेटर्निटी के लोगों से बात करें, मेरी हाल ही में 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जाकिर भाई से बात हुई जी, जाकिर भाई बहुत छोटे थे पर वो मुझसे यही कहते कि मैं तो 24 घंटे उनके इर्द गिर्द ही रहता। तो मदन जी जिस फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर की सबसे ज्यादा इज्जत होती है जी, उस फ्रेटर्निटी में वो मदन जी ही थे। क्या बात है, बहुत सारी यादें मदन जी की आपने बांटी। और देखिए इतने साल हो गए, 100वां जन्मदिन हम लोगों ने मदन जी का मना लिया और आज उनकी याद का दिन हम मना रहे हैं। मदन जी के गाने टाइमलेस हैं, कालजयी हैं और सदा सर्वदा रहेंगे। और विविध भारती तो मदन जी के गाने बजाता रहा है और बजाता रहेगा। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, विनम्र नमन करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और आपने अपनी यादों के उजाले बांटे। नहीं, सबसे पहले तो मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए कि आपने मुझे ये मौका दिया कि उनके करोड़ों सुनने वालों से हम फिर से मिल सकें। देखिए मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही मुझे लगती है, मैं अक्सर उनके कॉन्सर्ट्स इसलिए अटेंड करता हूं ताकि मैं उनके चाहने वालों से, उनकी संगीत के पसंद करने वालों से मुलाकात कर सकूं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप महान संगीतकार मदन मोहन के सुपुत्र समीर मदन मोहन कोहली से यूनुस खान की बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदर, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम शाम सिंदूरी।